सेक्रेटरीट में दो मसाजिद के इन्हेताम के बाद तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने अपनी कुर्सी खतरे में होने और चेयरमैन के तौर पर किसी और को मुतय्यन करने की खबरों पर कहा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और ऐसी अफवाहें सदर और वजीर आजम के ताल्लुक से भी सामने आती हैं। मोहम्मद सलीम के मुताबिक उन्हें सीएम केसीआर ने इस पोस्ट पर फैज किया है और जब केसीआर उन्हें ओहदा छोड़ने का हुक्म देंगे तो वो इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे। चेयरमैन को चेंज कर रहे बोल के अफवाह चल रही, अफवाह तो बहुत चलते समझे आप। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी चेंज कर रहे बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी चेंज कर रहे बोलते हैं, वो अफवाह एक अलग चीज है। अगर सीएम साहब जब भी कुछ बोलेंगे तो हम सीएम साहब की बात को फॉलो करेंगे। अरे भाई होंगे, मगर सीएम साहब जिस दिन भी बोलेंगे उस दिन वो जिसको मल गए सीएम साहब लाके बैठा है, सीएम साहब बोलेंगे नहीं तो नहीं।